हेलो एवरीवन वेलकम टू टू क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आज इस वीडियो का थर्ड पार्ट आ रहा है इस टॉपिक के दो वीडियोस पहले ही इस चैनल पर हैं आज हम चैप्टर थ्री डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबैटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर थ्री में सेक्शन सेवन में आता है कि कोई भी पर्सन जो किसी इंडस्ट्री ऑपरेशन या किसी प्रोसेस को हैंडल कर रहा है वो सरकार द्वारा सेट की गई स्टैंडर्ड लिमिट से ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज नहीं कर सकता पर्सन ऑन इंडस्ट्री ऑपरेशन एक्सेट्रा नोट टू अलाउ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड्स अगर कोई ऐसा करता है तो ये पनिशेबल है नेक्स्ट सेक्शन एट में आ जाता है कि कोई भी पर्सन जो किसी हजारड सब्सटेंस को हैंडल कर रहा है तो उसे सेफ ज़रूरी हैं बिना सेफ लिए कोई भी पर्सन किसी हजारड सब्सटेंस को हैंडल नहीं कर सकता एक तरह से कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने वर्कर्स को सेफ प्रोवाइड करे कौन कौन से प्रोसीजरल सेफ लिए जाएंगे ये सब स्टैंडर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है सेक्शन नाइन है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज इन सर्टेन केसेस किन किन केसेस में अथॉरिटीज़ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है इसमें पहला आ जाता है कि अगर किसी जगह पे एक्सीडेंटली प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड से ज़्यादा पोल्यूटेंट का एमिशन हो गया या होने वाला है तो एक जो पर्सन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है उस एमिशन के लिए और सेकंड जो उस जगह का इंचार्ज है ये दोनों पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो या तो इस पोल्यूशन इस को होने से रोकें या फिर इसके इफ़ेक्ट्स को मिटिगेट करें सेकेंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को इसकी इन्फॉर्मेशन दें और उन्हें पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करें और इन एनी केस अगर वो खुद डील नहीं कर पाते हैं तो आगे ये उस कंसर्न अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि या तो वो इस एमिशन को होने से रोके या फिर इसके जो आगे इफेक्ट होने वाले हैं उनको मिटिगेट करें सेक्शन टेन है पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन को ये पावर दे सकती है कि वो किसी भी टेस्टिंग इक्विपमेंट किसी इंडस्ट्रियल प्लांट में जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं वहाँ का रिकॉर्ड रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो सीज भी कर सकते हैं जितने भी पर्सन उस इंडस्ट्री ऑपरेशन या प्रोसेस में काम कर रहे हैं ये उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी पर्सन वहाँ इंस्पेक्शन के लिए आया है वो उन्हें पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करें अगर कोई पर्सन विलफुली उन्हें रोकता है या जानबूझ कर डिले करता है तो इसे ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा सेक्शन 11 है पावर टू टेक सैंपल एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कनेक्शन देयर विद सेक्शन 11 के अंडर आ जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एम्पावर्ड कोई भी ऑफिसर किसी भी सॉइल एयर या वाटर का सैंपल कलेक्ट कर सकता है किसी प्रमाइसिस किसी फैक्ट्री या किसी भी प्लेस से इन सैंपल्स के रिजल्ट को अगर गवर्नमेंट ने एज एन एविडेंस यूज़ करना है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में तो उन्हें कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं इसमें सबसे पहले आता है कि ऑक्यूपायर को उसके एजेंट को या फिर जो पर्सन उस जगह का इंचार्ज है उसे एक नोटिस प्रोवाइड करना होता है उस नोटिस में आपके सैम्पल एनालिसिस के पीछे क्या इंटेंशंस हैं वो क्लियर होने चाहिए सेकेंड सैंपल ऑक्यूपायर की या उसके एजेंट की प्रेजेंस में कलेक्ट करना होता है थर्ड सैंपल किसी कंटेनर में कलेक्ट करने के बाद उसे मार्क और सील करना होता है मार्क और सील करने के बाद जो पर्सन सैंपल कलेक्ट कर रहा है और ऑक्यूपायर या उसके एजेंट के इन दोनों के साइन उस सैंपल कंटेनर पे होने ज़रूरी हैं दोनों के साइन होने के बाद उस कंटेनर को विदाउट एनी डिले एनवायरमेंटल लैब्स में एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है एनवायरमेंटल लैब्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश करती है इन केस ऑक्यूपायर या उसका एजेंट एबसेंट है या मना कर रहा है उस कंटेनर पर साइन करने के लिए तो जो पर्सन वो सैंपल कलेक्ट कर रहा है वो ही उस कंटेनर को सील मार्क और साइन करके डायरेक्टली एनवायरमेंटल लैब्स भेज सकता है और साथ में इन राइटिंग दे सकता है कि उस जगह का ऑक्यूपायर एबसेंट था या फिर उसने कंटेनर पर साइन करने से मना कर दिया आगे है सेक्शन ट्वेल्व एनवायरमेंटल लैब्स सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा एनवायरमेंटल लैब्स एस्टेब्लिश कर सकती है या फिर किसी इंस्टीट्यूट या किसी लैब को एज एन एनवायरमेंटल लैब काम करने के लिए रिकग्नाइज कर सकती है इन लैब्स में सैम्पल कलेक्शन और सैम्पल एनालिसिस का क्या प्रोसीजर होगा और फीस कितनी होगी ये सब स्टैंडर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है सेक्शन थर्टीन में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन को एज एन एनालिस्ट अपॉइंट कर सकती है जो इस पोजीशन के लिए फ़िट और क्वालिफाइड हो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है सेक्शन फोर्टीन है रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट कोई भी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट एनालिस्ट द्वारा साइंड हो वो एज एन एविडेंस यूज हो सकती है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में सेक्शन फिफ्टीन में आ जाती है पेनल्टीज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इस एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव ह्यूमन एनवायरमेंट सेफ्टी और हेल्थ को एंडेंजर करने वाले लोगों को डेटरेंट पनिशमेंट प्रोवाइड करना भी है इसीलिए सेक्शन 15 के अंडर अगर कोई पर्सन इस एक्ट के अंडर बने रूल्स ऑर्डर्स और डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता तो उसको पाँच साल की इम्प्रिजनमेंट एक लाख तक का फाइन और दोनों भी हो सकते हैं अगर फर्स्ट कन्विक्शन के बाद भी फेलियर कंटिन्यू रहती है तो ये फ़ाइन एक्सटेंड भी कर सकता है ये फाइन एक्सटेंड कर सकता है फाइव थाउजेंड रुपीज पर डे तक उस दिन तक जिस दिन तक वो फेलियर कॉन्टिन्यू रहती है अगर कन्विक्शन के एक साल बाद तक भी ये फेलियर कंटिन्यू रहती है तो ऑफेंडर को सात साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है सेक्शन सिक्सटीन है ऑफेंसेस बाय कंपनी। सेक्शन सिक्सटीन में डायरेक्टर इंचार्ज ऑफिसर सेक्रेटरी मैनेजर की लायबिलिटी आती है अगर कोई ऑफेंस किसी कंपनी में हुआ है तो जो पर्सन डायरेक्टली इंचार्ज होगा उस कंपनी का उसको लायबल माना जाएगा उस ऑफेंस के लिए लेकिन अगर वो ये प्रूफ कर देता है कि ये ऑफेंस उसकी नॉलेज के बिना हुआ है और उसने सारे मेजर्स लिए थे इस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए तो वो पनिशमेंट से बच सकता है सेक्शन 17 है ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अगर कोई ऑफेंस किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हुआ है तो उस डिपार्टमेंट के हेड को या इंचार्ज को गिल्टी या लाइबल माना जाएगा उस ऑफेंस के लिए लेकिन अगर वो ये प्रूफ कर देता है कि ये जो भी ऑफेंस हुआ है ये उसकी नॉलेज के बिना हुआ है और उसने पूरी केयर की थी सारी सारे मेजर्स लिए थे तो उसे लायबल नहीं माना जाएगा सेक्शन 17 के अंडर अगर कोई ऑफेंस किसी भी ऑफिसर की लापरवाही से हुआ है तो ही इज़ लायबल फॉर पनिशमेंट तो सेक्शन सेवनटीन के साथ ही चैप्टर थ्री खत्म हो जाता है आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट वन और पार्ट टू अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए दोनों वीडियोस आपके सामने हैं थैंक यू सो मच